और दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी दुखती रग बन गया है कि इस मसले पर जरा सी आलोचना हवालात की हवा तक खिलवा सकती है। अखिलेश के मंत्री आजम खान के पीआरओ की शिकायत पर एक दलित चिंतक कमल भारती को गिरफ्तार कर लिया गया, तो क्या उत्तर प्रदेश में दुर्गा पर बोलना मना है? सोशल मीडिया पर दुर्गा का समर्थन और अखिलेश सरकार की आलोचना दलित चिंतक कंवल भारती को भारी पड़ गई। रामपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अदालत में पुलिस को मुंह की खानी पड़ी। सीजीएम कोर्ट ने कंवल भारती की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि फेसबुक पर कमेंट अपराध नहीं है, लेकिन लगता है कि यूपी पुलिस ऐसा नहीं मानती। दलित चिंतक कंवल भारती ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, आरक्षण और दुर्गा शक्ति नागपाल, इन दोनों ही मुद्दों पर अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। अखिलेश, शिवपाल यादव, आजम खान और मुलायम सिंह, यूपी के ये चारों मुख्यमंत्री इन मुद्दों पर अपनी अपनी सरकार की पीठ कितनी ही ठोक लें, लेकिन जो हकीकत ये देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जनता से पूरी तरह कट गए हैं, वो ये है कि जनता में इनकी थू-थू हो रही है और लोकतंत्र के लिए जनता इन्हें नाकारा समझ रही है। इस पोस्ट पर अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान के पीआरओ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। मंत्री के पीआरओ की शिकायत पर पुलिस भी फौरन हरकत में आ गई। कंवल भारती पर धारा 153/295(a) के तहत कार्रवाई हुई, यानी सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप। ताज्जुब की बात यह है कि कंवल भारती की पोस्ट में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातें नहीं है। मूल्यों का हनन हो रहा है सरकार में, वो मुझे बता, उस पर मैं चिट्ठी करता हूँ और मेरा कंप्यूटर उठा के ले गए, पुलिस मेरा कंप्यूटर भी उठा के ले गई। कंवल भारती के खिलाफ कार्रवाई की खबर लगते ही सामाजिक कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। रामपुर के पुलिस कप्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी हो रही है। गिरफ्तारी की वाजिब वजह न बता पाने वाली सरकार विरोधियों के निशाने पर है। नहीं, अगर ऐसा किया है, इसके कारण गिरफ्तार किया है तो गलत है, बाकी कोई कारण हो तो मैं नहीं कह सकता। जो सरकार एक IAS अधिकारी को निलंबित करती, जो सरकार उसके खिलाफ कोई बात करने वाले व्यक्ति को जेल में डालती है, वो सरकार ये कहती है कि साहब, उसका सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि साहब हमें IAS अधिकारी की जरूरत नहीं, तो इसके बाद खाली यही बचता है, वो हो भी जाएगा जब चीफ मिनिस्टर वहां का कहेगा हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं, जो पार्टी का अध्यक्ष वो कहेगा हमें साहब प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। बात सिर्फ कंवल भारती की गिरफ्तारी तक ही नहीं सिमटी। दुर्गा के मसले पर यूपी सरकार के मंत्री अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। लखनऊ में एक समारोह में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन का मिजाज इस कदर बिगड़ा कि वो मंच से ही मीडिया को कोसने लगे। जो मीडिया में देख रहा हूं वो दुखी है, वो नागपाल किस परिवार की है, आपको जब खुलासा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस चीज को, क्या किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग छोटी बातों में पढ़ना नहीं चाहते। आखिरकार मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनका विरोध किया, तब वो कार्यक्रम ही छोड़कर चले गए। अब सीएम भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। दुर्गा के मसले पर अखिलेश सरकार के मंत्री ही नहीं, लगता है खुद मुख्यमंत्री भी कुछ भी सुनना नहीं चाहते। इसीलिए कल तक बार बार सफाई दे रहे मुख्यमंत्री अब इस मसले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। विषय को मत बढ़ाइए, जो कार्रवाई करनी थी, चार्जशीट देनी थी, दे दी है। आगे जिस तरह कार्रवाई होगी, जांच कमेटी, जांच अधिकारी, जो लोग होंगे अपनी जांच करेंगे, सच्चाई सामने आनी चाहिए। यूपी सरकार के रुख से जाहिर है कि दुर्गा के मसले पर अब तक आंख बंद रखने वाली सरकार ने अब कान भी बंद कर लिए। दुर्गा नागपाल के निलंबन को लेकर पहले ही सवालों से जूझ रही यूपी सरकार अब कंवल भारती की गिरफ्तारी को लेकर और गंभीर सवालों से घिर गई है। सवाल ये कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकार को क्या अपनी आलोचना जरा भी पसंद नहीं, और क्या दुर्गा नागपाल के मुद्दे को उठाने वाले लोग सरकार के दुश्मन हैं? रामपुर से नादिर के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।